हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बोर बोर डॉग और इसे अफ्रीकन मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो को मैं टोटल 4 पॉइंट्स में कवर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन, सेकंड पॉइंट जनरल अपीयरेंस, थर्ड पॉइंट क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, और फोर्थ पॉइंट प्राइस। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन। इस डॉग का ओरिजिन है साउथ अफ्रीका से। सेटलर्स थे जो साउथ अफ्रीका के, वो पुराने टाइम पे बुल टाइप और मैस्टिफ टाइप की ब्रीड लेके आए थे अपने पास। वो उसका पर्पस था कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए लेके आए थे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कराने के लिए प्रेडेटर से, क्योंकि हम सबको पता है अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ सबसे ज्यादा रिच वाइल्ड लाइफ है, वहां पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है, इसलिए वहां पे प्रेडेटर्स की भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस पर्पस से जो सेटलर्स थे साउथ अफ्रीका के, वो ब्रीड्स लेके आए थे, यूरोपियन लाइन भी लेके आए थे और मैस्टिफ टाइप्स लेके आए थे। तो इन ब्रीड्स के बीच में इंटरब्रीडिंग हुई थी और उसका रिजल्ट आया था बोर बोर डॉग, जो ये आज के टाइम पे हमारे पास जो अफ्रीकन मैस्टिफ है उसका नाम है बोर बोर डॉग। तो ये ब्रीड इसका रिजल्ट आया था। जो बॉय सेटलर्स थे वो उन्होंने इस ब्रीड को क्रिएट कराया था, और क्यों कराया था, बिग गेम हंटिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए इस डॉग को क्रिएट कराया था। और इसे फार्मर डॉग की तरह भी कहा जाता है, मतलब बोर बोर डॉग का सिनोनिम है फार्मर डॉग। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है जनरल अपीयरेंस। इस डॉग का हेड ब्लॉकी और बोल्ड होता है, इसकी मस्कुलर नेक होती है, इसकी जो टेल होती है वो यूजुअली लोग क्रॉप कराते हैं, मतलब कटवा देते हैं, छोटी साइज की रखते हैं। और इसके मैं आप बताता हूँ कि इसका कोट कैसा होता है, इसका शॉर्ट और डेंस कोट होता है इसका, और इसका मतलब सॉफ्ट और स्मूथ एंड शाइनी कोट होता है। कलर्स बताता हूँ इसके, इसके कलर है फोन रेड ब्राउन और ब्रिंडल कलर में आता है ये डॉग। अब बात करते हैं इसकी वेट के ऊपर। वेट है इसके मेल का 65 से 90 केजी के बीच में, और फीमेल का वेट है 55 से 70 केजी के बीच में। अब बात करते हैं इसकी हाइट की, इसकी आइडियल हाइट है 60 से 77 सेंटीमीटर के बीच में। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस हिसाब से आप देखना ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, ये बेस्ट गार्ड डॉग है। जो लोग एक बढ़िया गार्ड डॉग और वॉच डॉग ढूंढ रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग ही इसलिए हुई थी कि ये प्रोटेक्ट कर सके अपने फैमिली को प्रेडेटर से, तो ये एक बेस्ट गार्ड डॉग है। अब बात करते हैं इसकी ग्रूमिंग की, ये इसको आप वीकली ब्रश कर सकते हो और ओकेजनली बाथिंग, मतलब मंथ में एक या दो बार कराओगे तो इनफ होगा इसके लिए। पर इसके जो नेल्स होते हैं उनको रेगुलरली ट्रिम करते रहना, नहीं तो फिर मतलब इसके शार्प जल्दी हो जाते हैं, तो फिर वो दिक्कत आ सकती है कई लोगों को। और अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की, ये बहुत ज्यादा मतलब कि एक्टिव डॉग है, तो इसको कम से कम एक घंटा दिन में और शाम को एक एक घंटा करवाओ एक्सरसाइज, क्योंकि जैसे इसके एंशियंट टाइम से पता चलता है हर डॉग ब्रीड का कि इसका काम था, ये अपने ये टेरेस्ट्रियल डॉग है, ये अपने इलाके को मतलब अपना इलाका था उसके अंदर किसी और को आने नहीं देता था, तो ये पूरी गश्त करते थे, तो इसलिए इनको ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है। और एक्सरसाइज इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो डॉग ओवरवेट हो जाएगा, ओवरवेट हो गया तो फिर वैसे ही दिक्कत आ जाएगी हमें, तो ये चीजों का ध्यान दें। एक और मेन पॉइंट इसका कि ये फैमिलीज के साथ बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है, छोटे बच्चों के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। शर्त यही है कि इसको आप सोशलेबल बनाओ बचपन से, जब ये छोटे एज का होता है तब से इसको सोशलेबल बनाओ, तो ये अच्छी तरीके से रहेगा। ये मैं एक बार वापस कहूंगा कि बेस्ट गार्ड डॉग है। और इसका टेम्परामेंट बताता हूँ, इसका टेम्परामेंट है कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट और काम। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, प्राइस। इस डॉग का प्राइस क्या है इंडियन मार्केट में, ये डॉग इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसको आपने इंपोर्ट कराना पड़ेगा, या जिनके पास है तो 70,000 ऑनवर्ड ही मिलेगा ये आपको डॉग। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए।